जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज तारीख 21 दिसंबर 2018 को बॉलीवुड के मशहूर सितारे शाहरुख खान की जीरो फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म दर्शकों को कैसी लगी, देखिए हमारी लखनऊ की खबर एसएस की टीम के साथ। नमस्कार, मैं तारिक खान एक बार फिर खबर एसएस लखनऊ से। आइए आपको लेके चलते हैं लखनऊ के सिनेमाघर नोवेल्टी के पास, देखते हैं पब्लिक के व्यूज क्या है। आज मूवी जीरो रिलीज हुई है, उसके बारे में आपको दिखाते हैं क्या। देखिए ये लखनऊ का सिनेमाघर है नोवेल्टी, चलते हैं पब्लिक के पास आज के व्यूज लेने के लिए। जी अब एक बार फिर आपको टिकट काउंटर के पास लेके चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है मूवीज को देखने के लिए, पब्लिक उदल उदल कर रही है टिकट लेने के लिए। आप मूवी देखने आएंगे? अच्छा, तो आपको जीरो जीरो मूवी से क्या मतलब अपेक्षा की कैसी रहेगी? ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा है जीरो का, डायलॉग डिलीवरी जो है उसकी बहुत अच्छी है शाहरुख खान की, और जो एक करेक्टर उभर के आया है जो कौन है का वो देखने के लिए जाता है क्या चीज़ क्रिएटिविटी है उसकी। अच्छा। और जो 3D इफेक्ट्स है उसमें काफ़ी अच्छा है, वही तो उस चीज़ को देखने आया है जीरो के लिए। अच्छा, ऑलरेडी इनकी केमिस्ट्री पहले देखी जा चुकी है अनुष्का और कैटरीना और शाहरुख खान की इसमें जब तक है जामे, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस मूवी में? काफ़ी अच्छा रहेगा केमिस्ट्री तो देखने, और एक्टिंग भी जो रिव्यू देखा है वो भी काफ़ी अच्छा है केमिस्ट्री। कैटरीना कैफ की जो उसके साथ दिखाई गई है एक नॉर्मल मैन और उसकी, वो काफ़ी अच्छा है तो उसको देखने। बेसिकली आपको कहने का मतलब है कि ये आप इस पे देखने आए कि जो शाहरुख खान शॉर्ट हाइटेड पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप देखने आए हैं? जी। ये थे कुछ पब्लिक रिव्यूज। अब ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी भीड़ है टिकट लेने के लिए, टिकट काउंटर पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्या कैसा व्यूज रहा इसका? बेसिकली आप किस ब्याह पे मूवी देखने आए थे, मतलब शाहरुख खान कटरीना और तमस्सी दिखाई गई है उस देश के बारे में भी दिखाया? अच्छा अच्छा, कि छोटा बच्चा भी कुछ कर सकता है। थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा छोटा गौना भी कुछ कर सकता है। अच्छा, इनका कहने का मतलब है एक शॉर्ट हाइटेड आदमी भी कुछ कर सकता है। आइए आगे पब्लिक व्यूज लेते हैं। सर आप बता सकते हैं इस मूवीज़ के बारे में कुछ रिव्यूज? एक बार देखने का। अच्छा, एक बार चलिए ठीक है, और आगे चलिए। चलिए चलिए आगे इनसे पूछो भाई बताना पब्लिक क्या रिव्यूज रहा भाई? अच्छा बताओ भाई, मूवी अच्छी थी, मज़ा आया। शाहरुख खान को देख के कैसा लगा इसमें? बहुत अच्छा फील हुआ और अच्छी मूवी थी और सस्पेंस बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी मूवी थी। इधर इधर से पूछिए। जी मैम, कुछ आप व्यूज देंगी? रेटिंग कितनी देंगे? 5 स्टार। 5 स्टार में जाएंगे शाहरुख खान? वो कैटरीना, कैटरीना उधर देखिए बोलिए। कैटरीना को 3 देंगे। और कौन है? अनुष्का शर्मा का क्या रोल? अच्छा ठीक है, मतलब आपने एंजॉय किया मूवी को? ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आइए ले चलते हैं आपको सिनेमा घर के एंट्री द्वार पे। हाँ, जो ये नोवेल्टी के एंट्री में जाता है पब्लिक देखने के लिए, और आज व्यूज लेंगे हमारे कुछ साथी हैं। कुछ कितने बजे देगा ये शो? कितने बजे से स्टार्ट हुआ शो आपका? ये आला 12:45 पे। अच्छा, कुछ आप जीरो मूवी के बारे में बताएंगे? आपने देखा? हमने देखी नहीं, लेकिन पब्लिक का रिव्यू बहुत बेटर है। कैसा है वो? ग्रेट है, अच्छी है। क्या कुछ आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? फर्स्ट पार्ट सेकंड बढ़िया है, लास्ट पार्ट थोड़ा सा बोरिंग है। कितनी रैंकिंग होगी? आप इस मूवी को कितना स्टार देना चाहेंगे? मैंने देखी ही नहीं है अभी स्टार। अभी ये साहब इन्होंने मूवी देखी नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो 3 स्टार दिए। अभी पब्लिक व्यूज लेना बाकी है, जो पब्लिक अभी देखने गई है। पब्लिक की राय बहुत बढ़िया है, पब्लिक की राय पिक्चर की वजह से बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया मूवी जी, शाहरुख खान का काम भी बहुत बढ़िया बता रहे हो। कैटरीना कैफ है? कैटरीना कैफ ठीक ठाक है, अनुष्का शर्मा ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुल मिला जुला के इस मूवी को अगर रेटिंग दी जाए तो 3 स्टार। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ सिनेमाघर के एग्जिट पोर्ट पे, जहाँ से पब्लिक अभी निकलेगी और व्यूज़ हम उन लोगों से लेंगे। अभी देखिए ये एक हमारे सामने खड़े हैं जी, आप कुछ मूवीज़ के व्यूज़ के बारे में बता सकते हैं कि कैसी ये मूवी? जी मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, और इसमें शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और जीशान का रोल काफ़ी अच्छा है और मूवी देखने लायक है।
काफ़ी सही मूवी है। जैसा मैं सोच रहा था कि इस मूवी में अच्छा लगेगा, वो मुझे इसमें अच्छा लगा उनका देख के रोल, तो ये कह सकते हैं कि मूवी काफ़ी अच्छी है। शाहरुख खान का रोल आपको कैसा लगा इसमें? जैसा उन्होंने ये मूवी बताई जा रही है कि 2018 में काफ़ी मूवीज़ VFX पे बनाई गई है, और ये भी मूवी VFX पे बनाई गई है, तो इसके तुलना में ये मूवी कैसी रही? ये मूवी ऐसी रही कि एकदम इनका रोल बाकी मूवियों से इसमें हट के है। एक जो है इसमें बौने का रोल किया है, जो काफ़ी अपने आप में एक इनका लुक मतलब दूसरे मूवी से अलग दिखाता है, तो कह सकते हैं ये मूवी काफ़ी अच्छी है जी। आपका क्या नाम है भाई? भाई मेरा नाम आयान है भाई। शाहरुख खान तो शाहरुख खान ही है भाई, ठीक है। उनका जो भाई रोल है हर रोल में भाई वो हीरो ही है फिर, ठीक है। यहाँ पे भाई उन्होंने जो रोल किया है छोटेपन का भाई, तो बहुत ज़बरदस्त किया। बहुत मूवी इस पूरे साल में भाई इस मूवी से अच्छी मूवी कोई मूवी नहीं थी भाई। मतलब जुम्मा बन गया आज, अच्छा वहाँ जुम्मा भी आज बन गया और पूरा नया साल भी भाई अच्छा बन गया है। बहुत ज़बरदस्त मूवी है भाई शाहरुख खान भाई की, और मैं यही बोलता हूँ कि मूवी जो है सही से सही हिट हो जाए भाई। कितनी रेटिंग जाएगी? तो आप इस मूवी को कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 5 स्टार्स में से कितना स्टार देना चाहेंगे भाई? इसको तो मैं बोलता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ शाहरुख खान, बोलो इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ शाहरुख खान कि जैसा पब्लिक का व्यूज़ रहा है, कि जैसे अभी हमारे आयन भाई ने बताया कि ये डाई हार्ट फैन ऑफ शाहरुख खान, और जिस तरीके से उन्होंने शॉर्ट हाइटेड पे मूवी बना के एक मतलब दुनिया को दिखाया।